टी20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा मुकाबला गुरुवार को नीदरलैंड से होगा, लेकिन इसके पहले प्रैक्टिस और अरेंजमेंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय प्लेयर्स ने बुधवार को प्रैक्टिस करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा मंगलवार को अच्छा नाश्ता ना मिलने के बाद लंच का बॉयकॉट किया। यह मामला बुधवार का है। रिपोर्ट्स के अनुसार आईसीसी ने टीम इंडिया को ब्लैक टाउन में प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। होटल से इस ग्राउंड की दूरी 42 किलोमीटर है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों ने जाने से इनकार कर दिया। टीम इंडिया का प्रैक्टिस पर ना जाने के पीछे एक कारण और भी बताया जा रहा है, वह है ठंडा नाश्ता मिलना। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार दोपहर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 2 घंटे के ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन के बाद नाश्ता करने पहुंची तो मेन्यू में फूड्स मेक योर ऑन सैंडविच शामिल थे। यह कई खिलाड़ियों को पसंद नहीं आया। इसकी शिकायत सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर संबंधित अधिकारी से भी की गई। वहीं एक भारतीय टीम के सदस्य ने एक अखबार को बताया कि फूड मानकों के अनुरूप नहीं था। अभ्यास सत्र के बाद हम सैंडविच नहीं खा सकते हैं। कुछ खिलाड़ियों ने मैदान पर फूड्स खाए जबकि बाकी ने होटल में खाना खाया। इस विवाद के बाद टीम इंडिया ने नीदरलैंड के खिलाफ अपने मैच के पहले प्रैक्टिस से आराम करने का फैसला किया है। एक टीवी चैनल के रिपोर्टर ने बताया कि मंगलवार को प्रैक्टिस के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने मेरे टिफिन से खाना खाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेलबर्न से वापसी के लिए प्राइवेट टैक्सी लेनी पड़ी। इतना ही नहीं, जब रोहित सिडनी पहुंचे तो उन्हें कोई रिसीव करने भी नहीं आया। भारतीय कप्तान टैक्सी से होटल तक गए। वहीं पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ऑस्ट्रेलिया की सुविधाओं को तंज कसते हुए कहा कि वो दिन गए जब मुझे लगता था कि वेस्टर्न कंट्रीज में अच्छी मेहमान नवाजी होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि भारत ही है जहां अच्छी सुविधाएं मौजूद है। हालांकि इसे लेकर बीसीसीआई का अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पर अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्या एक्शन लेता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।